पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के रेल महाप्रबंधक अनुपम शर्मा सोमवार को अपने वार्षिक निरीक्षण के क्रम में कोडरमा स्टेशन पहुंचे। इस दौरान झुमरे तलैया नगर परिषद क्षेत्र के मोरियामा के ग्रामीणों ने रेल महाप्रबंधक अनुपम शर्मा को एक मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया है कि कोडरमा स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर मोरियामा एवं मड़ुआ टाण घनी आबादी वाला क्षेत्र स्थित है। इन दोनों गांवों के बीच वर्षों पहले रेल लाइन बिछने से गांव दो हिस्सों में बट गया है। इसके बाद दोनों गांवों के लोग देवी मंडप, मुक्ति धाम, अपने खेत एवं बच्चे अपने विद्यालय रेलवे लाइन को पार करके जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रेलवे विभाग के द्वारा डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रेल लाइन को लेकर रेल पटरियों के किनारे ऊंची दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसे में दोनों गांवों के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। वहीं लोगों को उपरोक्त स्थानों में जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय ग्रामीणों ने रेल महाप्रबंधक से पोल संख्या 390/25 से लेकर पोल संख्या 390/26 के बीच एक अंडर पास देने की मांग की है। ज्ञापन में सांसद प्रतिनिधि बलराम यादव, भाजपा झुमरे तिलैया नगर अध्यक्ष किशोर पंडित, महामंत्री हरि पंडित, दिलीप पंडित, नगर महामंत्री विनय सांडिल्य समेत दर्जनों ग्रामीणों के हस्ताक्षर शामिल हैं। जीएम साहब से आप लोगों का क्या मांग? कोडरमा स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे मुरियामा गांव स्थित है और घनी आबादी क्षेत्र शहरी क्षेत्र है और हम लोग वर्षों से रेल के पटरी को पार करते आना जाना, विद्यालय जाना, श्मशान घाट जाना, खेती सारे मतलब हम लोग को इधर से उधर आना जाना है और अभी हम लोग को अंडरग्राउंड ब्रिज का मांग है, जिसमें जीएम साहब से हम लोग आग्रह करेंगे कि वहां भी विजिट किया जाए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।